एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिर्चा। दोस्तों, फेस की केयर करना हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं करूँगी फेशियल। थोड़ा सा मुझे अपने फेस पे डलनेस सी फील हो रही थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं फेशियल करूँगी और घर पर फेशियल करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ आज ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का पर्ल ब्राइटनिंग फेशियल किट, डेजी फ्लावर के साथ जो आता है। 30 मिनट्स मेकओवर है ये, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अभी मैंने इस पैकेट को खोला भी नहीं है एंड फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ एंड डेमो भी आप देख लोगे, यूज़ करूँगी जब। तो एंड इसमें आपको मिलते हैं 5 इजी स्टेप्स। फर्स्ट है ऑर्गेनिक क्लिनजिंग मिल्क, सेकेंड है ऑर्गेनिक फेस स्क्रब, थर्ड है ऑर्गेनिक फेस क्रीम एंड फोर्थ है ऑर्गेनिक फेस मास्क, फिफ्थ है ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। तो इसमें आपको फेशियल के साथ सनस्क्रीन भी मिलती है आफ्टर जो है मास्क लगाने के लिए, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, अगर आप पार्लर से भी फेशियल करवा कर आते हो तो भी वहाँ पर वो मेंशन करते हैं ज़रूर कि आप अगर धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कर लीजिए, या फिर आप कुछ जो है अम्ब्रेला वगैरह का यूज़ करके ही निकलिएगा, फेस ढक कर निकलिएगा। एंड इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 295 रुपीज़ एंड इसका जो नेट वेट है वो है 40 ग्राम्स टोटल, और ये जो है वन टाइम यूज़ के लिए आता है। तो फर्स्ट स्टेप इसका ओपन कर लेते हैं, ये है इसका ऑर्गेनिक क्लिनजिंग मिल्क। तो क्लिनजिंग मिल्क का जो यूज़ है वो ये है कि आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का डर्ट या गंदगी होती है उसको ये रिमूव कर देता है, ताकि आपका जो फेस है वो फेशियल के लिए रेडी हो सके। और फेस पर से फेस वॉश के बाद भी अगर कोई जो है गंदगी रह जाती है तो वो भी ये रिमूव कर देता है, जिससे फेस एकदम क्लीन हो जाता है। जब आप फेशियल करते हो तो आपके पोर्स के अंदर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं जाती है और उसकी वजह से आपको पिंपल्स वगैरह की होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्लिनजिंग मिल्क को आपको कॉटन पैड की हेल्प से जो है अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड उस कॉटन पैड की हेल्प से इसको रिमूव कर देना है। बट इसको मैं हाथों की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से थोड़ा सा मसाज कर लूँगी 1 से 1.5 मिनट, उसके बाद इसको मैं रिमूव कर दूँगी। 2 मिनट इसकी मसाज करनी है, उसके बाद इसको कॉटन पैड की हेल्प से या किसी भी कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी कि मैंने कुमकुम आदि वाला इसका फेशियल किट यूज़ किया है, उसमें फर्स्ट स्टेप के बाद ही मुझे जलन सी फील हो रही थी, उसी तरीके से मुझे इस बार भी ऐसा लग रहा है। इसका ये क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फेस पर जलन हो रही है और रेडनेस भी हो रही है। फेस पर मेरे रेडनेस शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी अगर आप देखो मेरे फेस पर पास से तो रेडनेस दिखाई दे रही होगी। पता नहीं इनके जो है प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है कि मुझे रेडनेस शुरू हो जाती है जब भी मैं जो है कोई भी इनका फेशियल किट यूज़ करती हूँ। तो पता नहीं किसी और को होती है या नहीं होती, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं थोड़ा देर वेट करके ही इसको आगे यूज़ करूँगी। अगर आप इसका दूसरा वाला मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी क्लिनजिंग जो है मिल्क या क्लिनजिंग जेल कुछ था उसको यूज़ करने के बाद ही। थोड़ा सा मैं इस क्लोथ को जो है ठंडे पानी के पानी से डिप कर लेती हूँ। सो मैंने बर्फ़ डाल रखी है एक पानी में और एक सादा धोने के लिए रख रखा है फैब्रिक को। पता नहीं किसी इसमें ऐसी स्मेल आ रही ना, जैसे वो हेयर रिमूवर की जो महक होती है ना, वो टाइप की महक इसमें से आ रही है जो क्लिनजिंग मिल्क है इनका, बिल्कुल हेयर रिमूवर जैसी महक आ रही है। नेक पर तो नहीं दिख रही रेडनेस, बस इस एरिया पर, यहाँ यहाँ पर और यहाँ पर दिख रही है। अभी ये निकल जाए, मुझे फिर से टेंशन हो गई कहीं ऐसा ना हो कि ये बनी रहे। अब मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर कि ये ठीक हो जाए, फिर मैं आगे के स्टेप्स करूँगी, वरना मैं यहीं पर इसको रोक दूँगी। तो करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे वेट करते हुए और अब थोड़ी थोड़ी सी जलन मेरे फेस पर कम हो रही है, रेडनेस भी कम हो रही है, बट हल्का हल्का गर्म गर्म अभी भी फील हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठीक हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो अब मैं जा रही हूँ यूज़ करने इसका सेकंड स्टेप जो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट फेस स्क्रब। ये क्वांटिटी इसकी मिली है मुझे, फ्रेग्रेंस इसकी भी मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रही है बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना हल्की सी खुशबू सी होती तो अच्छा लगता है। तो
स्क्रब इसके बहुत ही ज्यादा माइल्ड से हैं, तो सेंसिटिव स्किन के लिए सूट कर सकता है, बट वो जो पहला प्रोडक्ट ही ऐसा निकल गया जो सेंसिटिव, मेरी नॉर्मल स्किन है तो मुझे ही सूट नहीं किया, तो सेंसिटिव स्किन को क्या ही करेगा। तो मैंने ध्यान दिया कई बार मेरे फेस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो इसी तरीके का असर करते हैं। मैंने एक बार और भी ये वाला प्रोडक्ट, मतलब इसका दूसरा वेरिएंट ट्राई किया था, वो भी मुझे फर्स्ट ऐसा ही नहीं सूट किया था। और एक और प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, दूसरे ब्रांड का था, वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, वो भी मुझे सूट नहीं किया था। इसी तरीके से मेरे फेस पर रेडनेस, एंड वो तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर गया था, एंड जलन हुई थी, एंड मतलब फेस पर चकत्ते से आ गए थे। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है हाथों पर और इसकी मैं मसाज करूँगी फेस एंड नेक पर। स्क्रब को अच्छे से निकालने के बाद ही फेस क्रीम अप्लाई करिए, क्योंकि कई बार जो स्क्रब के कुछ बहुत पार्ट्स रह जाते हैं, पार्टिकल्स, और उसको आप निकालते नहीं हो, क्रीम लगा लेते हो ना, तो वो फेस पर पूरे टाइम रगड़ता रहता है, तो स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता। इसलिए जब आप स्क्रब करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको पहले वाइप आउट कर दीजिए या फिर अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप क्रीम का स्टेप शुरू करिए। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, ये है ऑर्गेनिक मसाज क्रीम, एंड इसके अंदर जो है मेंशन है ये केयरफुली क्राफ्टेड विद ऑर्गेनिक डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, बेयरबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, नेरोली एसेंशियल ऑयल, ये अमाउंट मिला है मुझे। और थोड़ी सी रनी सी आपको दिखाई दे रही होगी ये जो इसकी क्रीम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी रनी सी है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें माइल्ड सी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है जो पहले के दोनों प्रोडक्ट से बेटर है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको भी अप्लाई कर लेती हूँ और मसाज करना है जब तक कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। मैंने इसकी क्रीम की मसाज के टाइम में बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया था, और करीब 5 मिनट हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, मतलब मसाज करते हुए, और अपने आप से ये एब्जॉर्ब हो रही है। आप देख सकते हो कि अभी भी वाइटनेस है फेस पर, बट कहीं कहीं पर ये सोख हो रही है, यानी इसका जो कलर है ज़्यादा वाइट था वो अब धीरे धीरे से स्किन के कलर में मिक्स होने लगा है। आप देखो यहाँ पर अभी बहुत आसानी से ये बिल्कुल ऑयली सी होने लग रही है। तो ये खासकर कई बार क्रीम की खासियत होती है, जब आप उसको बिना पानी के उसकी मसाज करते रहते हो तो वो ऐसे मसाज करते करते अचानक से गाढ़ी होने लगती है, उसकी वाइटनेस ख़त्म हो जाती है और एकदम से थोड़ा सा ऑयलीनेस उसमें दिखाई देने लगती है। उसके बाद भी आप 5 मिनट और मसाज कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी वेट टॉवल की हेल्प से इसको रिमूव भी कर सकते हो, चाहे तो इसके ऊपर ही फेस पैक को लगा सकते हैं। ये रहा इसका ऑर्गेनिक फेस मास्क। मास्क में से भी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी बुरी नहीं है और बहुत तेज भी नहीं है। चलो जी, 10 मिनट्स मैं इसको अपने फेस पर रखकर और सीधे वॉश करके आपके सामने आती हूँ और फिर बताती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट रहा। तो अब आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। ये भी पाउच में आता है, तो थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है तो इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ, अच्छा रहता है एक कुछ हल्की सी क्रीम लगा लेना बाद में। इसकी फ्रेग्रेंस भी कुछ कुछ डेजी फ्लावर जैसी ही है। तो बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि फेस पर एक ग्लो आपको नज़र आ रहा होगा, पहले की जो डल स्किन थी वो थोड़ी ब्राइट नज़र आ रही है। और ये फेशियल मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो इसको करने के बाद, ये तो पहले ही दिन है, आप अभी भी ग्लो देख सकते हो फेस पर, बट इसको करने के 3-4 दिन बाद भी बहुत अच्छा ग्लो था। आई थिंक 10 दिन तक आप बहुत अच्छा फील करोगे, ग्लो अपने फेस पर फील करोगे। तो अगर पहले स्टेप को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी क्लिनजिंग मिल्क से जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, हो सकता है सिर्फ मुझे हुई हो, सबको ना हो, तो बाकी ये फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और फेस पर हमें ग्लो चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, वो ये प्रॉपर करके दे रहा है। तो आई होप आप सबको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहें तो इस फेशियल को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, एंड आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती फर्स्ट स्टेप में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।